हे एवन, हाउ आर यू ऑल? सो कैसे हो आप लोग? सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं वो बुक लिखी है H.D. कार्ल्टन ने और इस बुक का नाम है हॉन्टिंग एडेलिन। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे ऐसी कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो। और जो लोग हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करना चाहते हैं उन सभी के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हो। तो लास्ट वीडियो हमने देखी थी वीडियो नंबर 29, अब यहाँ से शुरुआत होती है वीडियो नंबर 30 की और यह है बुक में चैप्टर नंबर 27 और इस चैप्टर का नाम है द मैनिपुलेटर। अब जो एडलिन होती है ना वो गहरी नींद में सोने ही वाली होती है, इतने में क्या होता है उसको ना हल्का सा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और जो उसका शरीर था ना कहीं वो उस आवाज़ से उठ गया था और जब उसको देखने की कोशिश करती है ना दरवाजे की तरफ तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब जो एडलिन थी ना वो थोड़ी कन्फ्यूज़ भी हो गई थी, वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हो सकता है मैंने कुछ और सुना हो। इतने वो देखती है ना कुछ हिलने की उसको चीज़ दिखाई देती है और एकदम से ना उठ के बैठ जाती है और जब वो देखती है ना तो जेड होता है वो खड़ा हुआ होता है बालकनी के दरवाजे के पास और वहाँ ना सिगरेट पी रहा होता है, चांद की रोशनी उस पर पड़ रही है। अब एडलिन बोलती है ना तुम वहाँ पर कितनी देर से खड़े हो यू क्रीप। अब जो जेड है ना वो क्या करता है बालकनी का दरवाज़ा खोलता है और जो सिगरेट पी रहा होता है ना वो धुआं निकालता है और कहता है ना कुछ ही देर से, और जो खाली सिगरेट होती है ना वो बालकनी में फेंक देता है और जो अपना हुड होता है ना वो सर पे पहन लेता है और जो चांद की रोशनी थी ना वो उस पर पड़ रही थी, बिल्कुल उसको साफ ग्लो कर रही थी। और एडलिन सोचती है ना कितना कंट्रडिक्शन है ये, इस वक्त इसे इतना ब्राइट दिखाई दे रहा है जबकि जो अंदर से ये कितना ज़्यादा डार्क है। अब एडलिन बोलती है ना तुम यहाँ वहाँ कूड़ा मत फेंका करो। अब जेड कहता है ना तुम सोते हुए बहुत अच्छी लगती हो क्योंकि जब तुम्हें ये पता होता है कि मैं आसपास नहीं हूँ, और ये कहते ही ना वो दरवाज़ा बंद कर देता है। जो एडलिन होती है ना वो उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रही होती है और आज ना उसके चेहरे में कुछ अलग था। नॉर्मली वो जब भी आता था या फिर जब भी उसको देखती थी ना एक अलग ही चमक होती थी, लेकिन आज वो चमक मिसिंग थी। और कुछ रात पहले वो यहाँ पे था, वो मुझे ट्रेनिंग करा रहा था, उसने मुझे कई सारी चीज़ें सिखाई थी और अब मैं काफ़ी कुछ सीख चुकी हूँ। अब एडलिन उससे बोलती है ना क्या हुआ तुम परेशान लग रहे हो? और एडलिन ना इस वक्त डरे हुए नहीं थे, वो कहीं ना थोड़ा सा कंसर्न थी कि मतलब इसको हुआ क्या। अब वो क्या करती है ना अपना हाथ उठाती है, अपने माथे को छू के देखती है और उसको ऐसा लग रहा होता है ना कहीं मेरी तबीयत तो ख़राब नहीं है, उसको हल्का सा बुखार जैसा लग रहा होता है। अब जो जेड है ना वो आराम से कमरे में आता है, दरवाज़ा पीछे से बंद कर देता है बालकनी का और ना बेड के कोने पर आके बैठ जाता है। और एडलिन को ना जेड को इस तरीके से देखना बहुत ही अलग था और एडलिन देखती है ना कि भाई जो जेड के कपड़े हैं उसके शरीर से ना हमेशा कसे रहते हैं और एडलिन सोचती है ना कि जान पूछ के अपने कपड़े हमेशा दो नंबर साइज़ के छोटे ही लेता होगा ताकि जो उसका शरीर है ना एकदम कसा हुआ दिखाई दे। और इसका ना शरीर आज काफ़ी लटका हुआ था, जेड बोलता है ना मैं थक गया हूँ आज। अब एडलिन को ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मतलब जेड हमेशा ऐसा नहीं था, वो जब भी मैं उसे देखती हूँ हमेशा एकदम फुल ऑफ एनर्जी ऐसा रहता है और आज पता नहीं इसको क्या हो गया। और उसके ना मन में ख्याल चल रहा होता है कि मैं ये कहती हूँ ना कि इस घर से निकल जा, मैं इसको ये बोल सकती हूँ लेकिन ना ये मेरा बिहेवियर काफ़ी ख़राब होगा और हो सकता है अगर मैं कुछ और करूँगी तो उसको ये लगेगा कि मैं इसकी चिंता करती हूँ। अब वो क्या कहता है ना अपना सर हल्का सा नीचे कर लेता है और उसको ना जंगल में से आवाज़ आ रही होती है अलग अलग किस्म के जानवरों की। अब एडलिन बोलती है ना तुम काफ़ी टेंशन में लगते हो बड़ी। अब जैसे ये बात सुनता है ना जेड उसके चेहरे पे एकदम से हंसी आ जाती है। अब जो एडलिन है ना वो काफ़ी हिम्मत दिखाती है, वो बैठ के कोने पर बैठा हुआ होता है जेड, वो क्या करती है ना आराम से हल्का सा आगे बढ़ती है और जेड के ना पीछे जाके आराम से घुटनों पर बल बैठ जाती है। और ना वो क्या करती है वो जेड को चाहती है कि क्या थोड़ा सा ना उसको रिलैक्स फील करवाए और उसको ऐसा लगा था ना एडलिन को कि भाई जेड इतना परेशान मैंने आज तक नहीं देखा। अब एडलिन बोलती है ना तुम ये अपना हुड उतार दो। अब जो जेड है ना वो क्या करता है ऐसा हल्का सा साइड से मुड़ के उसको देख रहा होता है और एडलिन सोचती है ना कि भाई इसका तो साइड पोज है ना वो भी कितना अट्रैक्टिव है, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं ना जो साइड से भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब जेड बोलता है ना क्यों? अब जो एडलिन है ना वो कुछ बोलने ही वाली होती है, इतने अपने आप को ना वो रोक लेती है, वो सोचती है ना मैं कुछ अच्छा बोलती हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये परेशान लग रहा है, मैंने इस पर ऑलरेडी बहुत कुछ इसको बोला भी है। और ना अपने आप को गलत शब्द कहने से रोक लेती है क्योंकि उसको पता है इस वक्त ये परेशान है, मैं नहीं चाहती कुछ उल्टा बोल के ना इसकी परेशानी मैं और बढ़ा दूँ। वो ना शांत होकर कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए। अब जो जेड होता है ना वो कुछ बोलने वाला होता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, वो क्या करता है ना अपने हाथ उठाता है और अपने हुडी को ना सर से बाहर निकाल देता है। और जब वो हुडी निकाल रहा होता है ना उसने अंदर वाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी होती है और हल्का सा ना उसको टैटू उसका दिखाई भी देता है एडलिन को। अभी जो शर्ट नीचे हो जाती है तो टैटू दिखना बंद हो जाता है और वो कुछ नहीं कहता, वो क्या करता है ना अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर ले आता है और आराम से ना बैठा होता है। अब जो एडलिन होती है ना वो अपने घुटनों के बल खड़ी हो गई होती है उसके पीठ के पास ही
और क्या करती है ना, अपने हाथों से उसके कंधे, उसकी पीठ और अपनी कोहनियों से ना उसको हल्के हल्के सहला रही होती है। अब एडलिन कहती है ना जीजस, और ना बड़े आराम आराम से उसके पूरे कंधों को, उसके पूरी पीठ को सहला रही होती है। और वो लोग ना कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। जो एडलिन है ना वो कुछ भी नहीं बोलती, जो जेड है वो भी कुछ नहीं बोलता। और जो एडलिन है ना वो धीरे धीरे अपने हाथ नीचे कर लेती है, क्योंकि वही उसके हाथ में दर्द होने लगा था। अब एडलिन क्या कहती है ना, उसकी पीठ के कोने पर ना हल्का सा अपने कोहनी को कस के दबाती है ताकि उसको थोड़ा आराम मिले, और कहती है ना मुझे बताओ। जो जेड होता है ना वो कुछ देर तक तो रिस्पॉन्स ही नहीं करता। कहीं ना कहीं जेड भी ये सोच रहा होगा कि मैं इसको बताऊँ या ना बताऊँ। जेड बोलता है ना, आज एक मैंने लड़की को खो दिया। और जब ये बात बोलता है ना तो काफ़ी उदास से ये बात बोलता है। जो एडलिन है ना कहीं वो समझ गई थी कि भाई ये बहुत ज़्यादा उदास है, और शायद उसी चीज़ का गिल्ट इसके मन में है अभी तक। जेड बोलता है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, और जब तक मैं बिल्डिंग में पहुंचा ना मुझे एक बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर वो ना एकदम से रुकता है, फिर कहता है ना मैंने उन लोगों की बातें सुनी उनके मरने से पहले, उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा लड़ रही थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था हम उसको कितनी धमकियाँ दे रहे थे, वो आखिरी तक लड़ती रही। और जैसे ही ये बात बोलता है ना जेड के एकदम से थोड़े ना मसल्स टाइट हो जाती है, वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है। जो जेड है ना कहीं वो अपने अंदर के दानवों से लड़ रहा था। जो एडलिन है ना वो समझ गई थी कि मतलब ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर सेंसिटिव रहता है, भले ये ऊपर से कितना भी सख्त क्यों ना हो लेकिन अंदर से ये लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब जो एडलिन है ना वो क्या करती है, आराम से बैठ जाती है और पीछे से ना एकदम से उसको हक कर लेती है, अपनी टांगे खोल कर पीछे से ना उसको गले से लगा लेती है, जैसे कि चिपकू मूवमेंट में होता है ना कि आप पीछे से हक कर लेते हो पेड़ों को, वैसे ही था ऐसा कुछ। जो जेड है ना वो भी ऐसे ही बैठा रहता है। अब एडलिन बोलती है ना मरना सबसे ख़राब नहीं था उसके लिए, उससे भी ज़्यादा ख़राब तो तुम और उसके परिवार वालों के साथ हुआ है। अब जो जेड होता है ना वो हल्का सा मुड़ के उसको देख रहा होता है, लेकिन जो एडलिन है ना उसको देखती नहीं है, बस उसने अपना सर ना उसकी पीठ पर रखा होता है, पीछे से हक कर रखा होता है। एडलिन बोलती है ना जो ज़िंदगी है ना वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी उस वक्त, बट अब नहीं। अब जो जेड है ना कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि उसका मरना सही था? अब एडलिन बोलती है ना ऑफकोर्स नॉट, उसकी ज़िंदगी उसे छीन ली गई, उसके परिवार, उसके दोस्त, और जिस तरीके की वो सिचुएशन में थी ना वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और उससे भी ख़राब ख़राब चीज़ें उसके साथ हुई होंगी। अब जो एडलिन है ना उसके शब्द भी कांप रहे होते हैं, वो समझ नहीं पाती मैं क्या चीज़ बोलूँ। अब एडलिन कहती है ना लेकिन मरना मरना नहीं था जेड, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, वो कोशिश कर रही थी कि वो आखिरी तक लड़ते रहे, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं था कि उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, लेकिन उन लोगों ने उसकी ज़िंदगी को मार दिया। और मैं जानती हूँ जिन लोगों ने उसको मारा है ना वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल उन लोगों ने उसको मारा है, और अब ना वो काफ़ी शांति से होगी, और अगर वो ज़िंदा रहती तो शायद हो सकता है इतनी शांति से नहीं रह पाती। अब जो जेड है ना वो कुछ भी नहीं बोलता, और शायद पता नहीं क्यों एडलिन को ये लगता है ना मेरे जो शब्द हैं वो उसको अच्छा फील कराएं या ख़राब फील कराएं, लेकिन ये सच था जो मैं इससे कहना चाहती थी। और कई बार ना कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी भर ना ट्रॉमा में रहते हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी से उन चीज़ों से बाहर निकलने की, लेकिन तब भी वो नहीं निकल पाते, और हो सकता है शायद अगर वो ज़िंदा रह जाती तो वो दोबारा से खुश भी हो पाती। और हर कोई अपने अंदर की अगर हिम्मत जगाए तो जो भी उनके अंदर की बुराइयां हैं ना उनसे वो लड़ सकता है, लेकिन कई बार जो हमारी ज़िंदगी होती है ना वो दूसरों के हाथों में होती है, और हम बहुत कोशिश कर लें कि हम खुश रह सकते हैं ऐसे ट्रॉमा से निकलने के बाद, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब एडलिन क्या करती है ना अपने हाथ पीछे कर लेती है और ना अपने बिस्तर में बैठ जाती है। जो जेड होता है ना काफ़ी डिसअपॉइंटेड होता है और वो ना दरवाजे की तरफ जाने लगता है। अब जो जेड होता है ना जैसे ही वो जा रहा होता है जो एडलिन ना उसका हाथ पकड़ लेती है। जो जेड है ना वो पीछे मुड़ के देखता है। एडलिन बोलती है ना मैं तुमसे अभी भी नफरत करती हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि तुम मेरे बगल में आके लेट जाओ जेड। अब जो जेड है ना उसको देख रहा होता है, वो अपने जूते उतारता है और ना बिस्तर में आके उसके पास लेट जाता है। जो एडलिन और जेड थे ना वो एक दूसरे के पास लेटे हुए थे। जो एडलिन है ना वो करवट लेके ना उसको देख रही होती है, जो जेड है ना वो भी उसको देख रहा होता है। अब जो एडलिन है ना वो कहती है तुम मेरी बालकनी में क्या कर रहे थे, और ना हल्का सा उसके चेहरे पर स्माइल होती है। जेड कहता है ना मैं बस तुम्हें देखना चाहता था शांति से। अब एडलिन बोलती है ना मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया तुम मुझे जब देख रहे थे, अगली बार जब तुम मुझे देखोगे ना तो मैं कुछ पोज वगैरह मार दूंगी। और जब भी ना जेड उसको जवाब देता था तो पता नहीं क्यों एकदम ना उसका शरीर बड़ा बर्फ़ जैसा हो जाता था, बिल्कुल एकदम ठंडी हो जाती थी वो, उसको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी जेड की। अब जेड बोलता है ना मैं अप्रिशिएट करूँगा ये, और वो ना उसको देख रहा होता है। जो एडलिन है ना वो भी उसको देख रही होती है, और जो जेड था ना वो अपनी आंखों से उसके पूरे शरीर को देख रहा होता है, और वो ऐसे देख रहा होता है ना कि भाई ये ना एक बहुत बड़ा पापी है और ये ना भगवान की तलाश में है। अब एडलिन बोलती है ना तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो जबकि मेरे पास रह के
ये तो ऐसा लग रहा है ना कि हमारी शादी हो गई है। अब जैड कहता है ना हो जाएगी। अब जो एडलिन है ना कहीं वो मना उसको करना चाहती है, लेकिन अपना सहला के वो ना नहीं कह पाती। वो सोचती है ना आज तो मैं नहीं कह सकती, और जो भी उसके मन में ख्याल आ रहे होते हैं ना वो सब कुछ अपने अंदर ही रोक लेती है। और इस वक्त ना ये दोनों बिल्कुल शांत लेटे हुए होते हैं, और कहीं ना कहीं एडलिन के अंदर भी ना गुस्सा था, गिल्ट था, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी वो। और उसको ऐसा लगा था ना कि भाई एक बी कीपर है जिसने ना बरिया का छत्ता पकड़ रखा है, और उसके शरीर पे ना बहुत ज़्यादा भाई बरियाँ काट रही हैं। अब एडलिन बोलती है ना मुझे किस करो। अब जो जैड होता है ना वो कुछ करता नहीं, वैसे एकदम से सुन रहा होता है इसकी बात। जो एडलिन होती है ना वो खुद आगे बढ़ जाती है, उसके होंठों को किस करने लगती है। जो जैड है ना वो भी उसको किस कर रहा होता है, लेकिन बहुत आराम आराम से। और इसी बीच में ना जो एडलिन थी वो समझ गई थी कि भाई मैंने इस चीज़ को कितना मिस करा है, और वो ना उसके होंठों को चूस रही होती है। जो जैड होता है ना उसकी कमर पर हाथ रखता है, और ना ऐसा होता है कि बस मैं ना तुमसे थोड़ा सा दूर जाना चाहता हूँ। वो हल्का सा दूर भी करता है, लेकिन फिर वो ना उसको किस कर ही रहा होता है, आराम आराम से किस कर रहा होता है। और उसको ऐसे किस करता है जैसे कि भाई जो आइसक्रीम है उसको चाट रहा हो वो। और जो उसके हाथ होते हैं ना एडलिन के, उसके बालों में जा चुके थे, वो लोग एक दूसरे को किस कर ही रहे होते हैं। उनकी जो जीभ है ना एक दूसरे से लड़ रही होती हैं। जो जैड है ना उसको और थोड़ा सा अपने पास ले आता है। जो एडलिन है ना वो थोड़ा सा दूर करती है, लेकिन जैड उसको फिर से किस कर रहा होता है। अब एडलिन बोलती है ना कि मुझे अपने कपड़े उतारने दो। जो जैड है ना कहता है नहीं हम लोग इससे आगे नहीं जाएंगे एडलिन। अब एडलिन बोलती है क्यों। और कहीं ना कहीं जो एडलिन का मन था ना कायदे से, तो जो एक लॉजिकल चीज़ थी वो ये थी कि भाई अच्छी बात है ये कुछ नहीं कर रहा। जैड बोलता है ना जब पहली बार मैं तुम्हें चोदूंगा ना मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छे से चोदूँ, ऐसा नहीं कि टुकड़ों में कुछ हो हमारा। और इस वक्त ना मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ, और इस वक्त ना मैं अगर तुम्हें देख भी रहा हूँ तो मुझे उसी लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा है। अब जो एडलिन है ना वो क्या करती है, अपना हाथ उसके जो चेहरे पर निशान था वहाँ लेके जाती है। एडलिन कह रही है ना ठीक है, और एडलिन ये बात समझ गई थी ना कि इस वक्त ये अंदर से काफ़ी टूटा हुआ है। भले ही ये टेम्परेरी क्यों ना हो कि भाई जब ये मुझे देख रहा है तो उसको उस लड़की की मर हुई, जो लड़की मर गई वो दिख रही है, और मैं ना जेड को इसके लिए ब्लेम भी नहीं करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप को उस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा है। अब एडलिन बोलती है ना आई एम सॉरी, तुम सही हो, मैं बस तुम्हें ये कहना चाहती हूँ ना कि तुम ये जानो कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जो भी कुछ हुआ उस लड़की के साथ तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे जेड, लेकिन तुम एक चीज़ याद रखो, जिन लड़कियों को तुमने बचाया है ना तुम उनको कभी मत भूलना। अब जो जैड है ना वो उसको देख रहा होता है लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, और फिर ना उसको दोबारा से किस करना स्टार्ट कर देता है, और बहुत आराम आराम से ना उसको किस कर रहा होता है। और सेक्स एकमात्र ऐसी चीज़ थी ना जो इस वक्त ये दोनों नहीं चाहते थे, और कहीं ना कहीं जो जैड था ना वो सेक्स तब करना चाहता था जब चीज़ें बिल्कुल ही सही हों। और जो भी सारी चीज़ें थी ना एडलिन के मन में ये लगता है ये सारी चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजिंग है जैड के साथ। इवेंचुअली ना मैं इन सब चीज़ों को स्टॉप कर दूंगी, मैं रोक दूंगी इन सब चीज़ों को, लेकिन आज रात नहीं। तो इस नोट पे होती है वीडियो खत्म, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।